स्नातक स्तरीय सहायक अध्यापकों के लिए प्रशासनिक एवं अनुशासनिक प्राधिकार का गठन शुक्रवार को सिरसिया प्रखंड कार्यालय सभागार में बैठक कर किया गया। बैठक में मुख्य पूनम देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो, गिरिडीह के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मदन कुमार सिन्हा, सविता कुमारी, सहायक अध्यापक प्रतिनिधि अरविंद कुमार, बीपीओ अरविंद कुमार राय आदि मौजूद थे। बैठक के दौरान सर्वप्रथम स्नातक कोटि के प्रखंड स्तरीय सहायक अध्यापक हेतु प्राप्त विभागीय अधिसूचना को पढ़कर सुनाया गया एवं उस पर चर्चा की गई, जिसके बाद प्रखंड स्तरीय स्नातक कोटि के प्रशासनिक एवं अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया, जिसमें पंचायत समिति के प्रमुख पूनम देवी को अध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह पंचायत समिति की शिक्षा समिति द्वारा चयनित एक सदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी आदि बनाया गया। इस बाबत बीडीओ दिलीप महतो ने कहा कि पारा शिक्षक के प्रशासनिक सह अनुशासनिक का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक संबंधित जो भी अनुशासनिक और प्रशासनिक कार्य है उसका देखभाल के लिए इस प्राधिकार का गठन किया गया है। पक्ष संप्रति पारा शिक्षकों के प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया है, इसमें लोग सारे उपस्थित हैं और इसका गठन विधिवत कर दिया गया है। किनको किनको बनाया गया है इस कमेटी में? इस कमेटी में मैं स्वयं प्रखंड विकास पदाधिकारी और अध्यक्ष के रूप में प्रमुख रहेंगे, इसके अलावा डीओ साहब, इसके अलावा पंचायत समिति के सदस्य जो शिक्षा से संबंधित देखेंगे और एक अनुसूचित जाति का पदाधिकारी। इस समिति में करना क्या है? पारा शिक्षा के संबंधित जो भी अनुशासनिक और प्रशासनिक कार्य हो सारे का देखभाल करना है, उसका अनुसरण करना है।